guys, I am Shrimati Pushpalata Chaudhary in front of you. Now we are going to learn about should have been. So what is the differences between should have been plus noun, pronoun, adjective and should have been plus verbs third form. तो ये चेंज क्यों है, एक जैसा स्ट्रक्चर है, फिर दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में एक में वर्ब आ रही है, एक में वर्ब नहीं आ रही है, ये क्या मीनिंग है इनका, ये हमें पढ़ना पड़ेगा इस बार, है ना। तो मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि शुड के हमारे पहले वीडियो में हमने शुड, शुड बी, शुड हैव कवर कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं शुड हैव बीन के सारे उपयोग यूज करने के लिए। धीरे धीरे चलेंगे, सेंटेंस के साथ लाएंगे, एग्जाम्पल के साथ लाएंगे और इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब आता है हमारे, जैसे अगर हमने बोला कि मैम यू शुड हैव बीन अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, या स्टेट ऑफ बीइंग बोलेंगे कि मैम तुम्हें वहां होना चाहिए था, अभी आप यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था, उसे तो मैम वहां होना चाहिए था क्लास में, वो स्कूल में क्यों बाहर घूम रहा है, उसे तो स्कूल में होना चाहिए था, या फिर मैम उसे तो ये चीज देख करके खुश होना चाहिए था। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस बनता है या इस प्रकार का जब सेंस आता है, तब हमें इसी प्रकार का यूज करना पड़ता है शुड हैव बीन। जैसे हम अक्सर इसको स्टेट ऑफ बीइंग में करते हैं कि भाई वहां खड़ा था वो, सॉरी वो वहां था, वो यहाँ था, वो खुश था, वो ना खुश था, या फिर वो पोलाइट था, या फिर वो कमरे में था, या फिर वो ग्राउंड में था, स्टेट बताने के लिए, वहां की कंडीशन बताने के लिए, है ना। तो चलेंगे विदाउट फर्दर डिले, वी हैव टू स्टार्ट दिस थिंग्स। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस अदर वर्ब। अदर वर्ड मतलब होता है कि या तो प्रोनाउन ले लो, या तो एडजेक्टिव ले लो, या फिर कुछ और ले लो, नाउन ले लो कुछ, या जहाँ की भी, मतलब इस प्रकार का कोई अदर वर्ड हो, बस एक्सेप्ट वर्ब, वर्ब नहीं हो, क्योंकि वर्ब का अभी अपन दूसरे में चलेंगे, ठीक है ना। आई शुड हैव बीन, अब अपन एग्जाम्पल कैसे ले लेंगे, आई शुड हैव बीन हियर विद यू, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। इट मीन्स कि जब चाहिए था का सेंस आता है तो अपन क्या लगा देते हैं, शुड हैव बीन। अब क्लियर करेंगे फिर से, आई शुड हैव बीन हियर विद यू, मैं मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन पोलाइट, तुम्हें नम्र होना चाहिए था। आप क्या होता है कभी कभी कहीं जाकर के बोले मतलब हाई बोलना चाहिए, आउट स्पोकन टाइप के बोल देते हैं ना, फटफट फटफट जो बोलते हैं, फिर वहां पे बोलना पड़ता है कि भैया वहां आपने एरोगेंट नहीं होना था, वहां आपने एंग्री नहीं होना था, आपने वहां पे पोलाइट होना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं अपन, एडवाइस देते हैं घर आकर के सबको, तो ये वही है, यू शुड हैव बीन पोलाइट, तुम्हें पोलाइट होना चाहिए था। ज्यादा हो गया तो यहाँ पे अपन लगा देंगे देयर, वहां आपको क्या होना चाहिए था, पोलाइट होना चाहिए, नम्र होना चाहिए था। अब देखो भूमिक शुड हैव बीन इन द क्लास राइट नाउ, अब जैसे भूमिक अभी क्लास में नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे, भूमिक कहाँ गया, भूमिक को तो इस समय क्लास में होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे भूमिक शुड हैव बीन इन द क्लास राइट नाउ, भूमिक को कहाँ होना चाहिए था, क्लास में होना चाहिए था। नेक्स्ट देखेंगे शी शुड हैव बीन अ गुड टीचर, उसे एक अच्छा टीचर होना चाहिए था, सपोज वो कुछ करते करते कुछ और काम करने लगा लगी, तो फिर हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं वो तो एक अच्छी टीचर होना था, उनने तो भैया वो और वो कुछ काम करे चाहे नहीं करे, पर वो एक उसको अच्छी टीचर होना था, क्योंकि उसमें टीचर बनने के सारे एबिलिटी है, गुण है ना, ठीक है। अब लेकिन हम निगेटिव में कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट आ जाएगा शुड हैव बीन, वो स्ट्रक्चर है, लेकिन शुड के बाद में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, शुड हैव बीन प्लस अदर वर्ब लगा देंगे, अदर वर्ड है ना। कैसे लेंगे, यू शुड नॉट हैव बीन लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए था, अब तुम लेट हो गए हो, अब चैप्टर चला गया है, तुम्हारा जो सिलेबस था वो खत्म हो गया है, अब तुम्हें फिर से प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो यू शुड नॉट हैव बीन लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए था, अब लेट हो गए भूमि, तुम आज लेट हो गए, है ना, चलो ठीक है। आपको लेंगे ही शुड नॉट हैव बीन इन द प्लेग्राउंड राइट नाउ, मतलब कई बार होता है ना कि तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था अभी प्लेग्राउंड में, तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए था, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, अपन ऐसा बोलते हैं ना, टीचर भी बोलता है और घर के लोग भी बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल
उनके लिए ये चीजें है कि he should not have been in the playground right now. अभी उसको playground में नहीं होना चाहिए था. Rather he should have been in the class. बल्कि उसे, rather मैंने पढ़ा चुकी हूँ, बल्कि उसे तो कहाँ होना चाहिए था, क्लास में होना चाहिए था, क्लास में होना चाहिए था. ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया. rather भी कहीं कहीं आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं rather भी आता है. rather means होता है बल्कि. एक चीज बोलने के साथ साथ दूसरी चीज में यदि हम एकदम शुरुआत कर लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मतलब उसको चलते रहे और लेकिन बीच में टोक देंगे, नहीं बल्कि उसको तो क्लास में होना चाहिए था. तो वहां पे अपन रदर का यूज करते हैं. ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे. हर चीज का इंट्रोगेटिव है तो क्या मुझे वहां होना चाहिए था, क्या तुम्हें वहां होना चाहिए, क्या उसे वहां होना चाहिए था, क्या मुझे वहां गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कई बार होता ना. तो ये वाली चीजों के लिए तो शुड वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या अभी यहाँ पे हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल वर्ब को सामने ले आएंगे. तो मॉडल वर्ब क्या है हमारे पास, शुड है. तो शुड फिर सब्जेक्ट, हैव बीन अदर वर्ड है ना. ठीक है, शुड आई हैव बीन देयर राइट नाउ, क्या मुझे वहां होना चाहिए था अभी. राइट नाउ मतलब अभी मुझे वहां होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. शुड यू हैव बीन इन द क्लास, क्या तुम्हें क्लास में होना चाहिए था. देखो क्या तुम्हें क्लास में होना चाहिए था इस समय, यस और नॉट कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर ये इस तरह से गाइस हम इसको भी बना सकते हैं, शुड भूमिक हैव बीन इन द क्लास राइट नाउ, क्या शुड भूमिक को क्लास में होना चाहिए था इस समय. Should she have been a good teacher? क्या उसे एक अच्छा टीचर होना चाहिए था. फिर हम इस प्रकार बनते चलेंगे. लेकिन अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, जहां पे गाइज आपको पता है कि प्रश्न भी पूछा जाता है लेकिन नेगेटिव भी पूछ, क्या मुझे वहां नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे वो बात सॉरी क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए था, और क्या मुझे क्लास में नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे बाहर घूमने बाहर नहीं होना चाहिए था. तो जहां भी आपको स्टेट बताना है और प्रश्न के साथ में निगेटिव भी बताना है, वहां पे आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करोगे. कैसे करेंगे देखेंगे. शुड फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लस अदर वर्ड. इसको करके बताती हूँ मैं. शुड यू नॉट हैव बीन. अब थोड़ा सा अपन एक्सेंट भी थोड़ा सा चेंज करते. शुड यू नॉट हैव बीन पोलाइट देयर, तुम्हें वहां पोलाइट नहीं होना चाहिए था. जैसे आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि नहीं नहीं मैंने तो वहां नहीं बोला, मैंने तो सही बोला, ऐसा बोला. फिर वहां पे समझाता है घर का व्यक्ति कोई कि क्या तुम्हें वहां नम्र नहीं होना चाहिए था. तो ये प्रकार होगा. शुड यू हैव बीन पोलाइट देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था, क्या तुम्हें होना चाहिए था. शुड आई नॉट हैव बीन हियर विद यू, क्या मुझे यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था. फिर should I not have been in the class, क्या मुझे क्लास में नहीं होना चाहिए था. यानी हम क्या भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आंसर भी ले रहे हैं और ना पता भी कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था क्या. दोनों प्रश्न का आंसर हमें देना पड़ेगा. नहीं नहीं भाई, आपको तो होना चाहिए था क्लास में, इस समय आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा. तो इस प्रकार से चलिए अब आगे देखते हैं अपन. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. शुड हैव बीन तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. यहाँ पे अपन क्या ले रहे थे, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव ले रहे थे, मतलब कोई भी अदर वर्ड ले रहे थे कि मतलब प्रोनाउन और वो तो एडजेक्टिव तो हमने लिए थे, अभी हमने एग्जांपल में दे दिया था. मतलब अदर वर्ड हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है ना, यू के साथ में, आई के साथ में, किसी के साथ भी ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तिकड़म बाइट, लाइक अपन बोलते हैं ना पेसिव में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ तक कि आपको पता चल गया है. तो ये शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहती है कि कार्य को किया जाना चाहिए था. ठीक है ना, मुझे वहां रोका जाना चाहिए था, तुम्हें वहां भेजा जाना चाहिए था, काम को किया जाना चाहिए था, कचरे को फेंका जाना चाहिए था. इस प्रकार के जब काम आते हैं, भले वो मेरे द्वारा किया जाए, तुम्हारे द्वारा किया जाए, किसी के भी द्वारा किया जाए, इस प्रकार का जब सेंस आता है तो हम शुड हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. चलो देखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान में लाने वाली बात है कि जो सब्जेक्ट होता है, अगर हम पेसिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है. तो अगर इस तरह से यहाँ पे लिख दिया तो उसपे डोंट माइंड, क्योंकि कहीं कहीं मैं समझाते चलूंगी आपको, है ना, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है बाय के बाद में. ठीक है, चले. I should have been asked about it by you. मुझे पूछा जाना चाहिए था इसके बारे में.
बताना चाहिए था तुमने इसके बारे में। जैसे अपने को कोई चीज पता नहीं है कहाँ चली गई, आप वो किसी को दे दी, बाद में पता चलता है कि अरे ये चीज तो मुझे पूछी नहीं गई और मुझसे दे दी गई, या मुझे आपके पूछे बगैर ही कहीं आपने इन्विटेशन ले लिया कि भाई हमें वहां जाना है, और बाद में पता चलता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कि मुझसे पूछा जाना चाहिए था भैया तुम्हारे द्वारा, तुमने मुझे पूछना तो था एक बार। तो इस प्रकार से सेंस है ना। रोड शुड हैव बीन, देखो मैम यहाँ पे रोड आपका क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट था एक्चुअली, ये यहाँ पे इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, क्यों, क्योंकि हम पैसिव में कर रहे हैं कि रोड शुड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, रोड को बनाई जानी चाहिए थी, रोड को बनाई जानी चाहिए थी बाय गवर्नमेंट, है ना। चलो यू शुड हैव बीन सेंट भोपाल, तुम्हें भेजा जाना चाहिए था भोपाल, तुम्हें भोपाल भेजा जाना चाहिए था। देखो सब वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है आपको। चलो दिस गार्बेज, अब गार्बेज यहाँ पे क्या करने का काम कर दिया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दिस गार्बेज शुड हैव बीन थ्रोन फ्रॉम हियर, इस गार्बेज को यहाँ से फेंका जाना चाहिए था, थ्रोन मतलब फेंका, फेंका तो फेंका जाना चाहिए था फ्रॉम हियर, यहाँ से, ठीक है। टिकट शुड हैव बीन बॉट, टिकट खरीदी जानी चाहिए थी, कई बार क्या होता है लोग लेते नहीं है ना, अब यहाँ पे अपन टेकन भी लगा सकते हैं ना, ली जानी चाहिए थी ये भी लगा सकते हैं, परचेज भी लगा सकते हैं, परचेस्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब आप जैसे विदाउट टिकट तो वैसे करना नहीं चाहिए ना, एक अच्छे एक हमारी विश ऑट टू मतलब एक बोलना चाहिए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो लेकिन अब नहीं करते, कभी कभी जल्दबाजी में हो गया या कोई पास में जा रहा है तो नहीं लेगा, लेकिन बाद में मान लो भैया कहीं पकड़े गए तो क्या बोलते हैं फिर उसको कि भैया तो टिकट तो शुड हैव बीन बॉट, टिकट खरीदनी तो चाहिए थी, ठीक है ना। चलिए अब सीट शुड हैव बीन रिजर्व बाय यू, मेरी एक स्टूडेंट्स बोल रही है कि मैम सीट रखना चाहिए था, तो सीट के लिए भी करते हैं कि तुम जल्दी पहुंच जाओ सीट मेरी रिजर्व रख लेना, तो वो भी बहुत अच्छा है। सीट शुड हैव बीन रिजर्व बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरी सीट को रिजर्व रखनी चाहिए थी, कहीं पर भी जाओ तो आज सीट कहीं तो लाई है सारी की सारी। तो सीट को जैसे हम कहीं स्टेडियम जा रहे हैं, कोई मैच देखने जा रहे हैं, वहां पे सीट बुक करना पड़ता है, या फिर कहीं विदाउट टिकट जा रहे हैं और वहां पे भी सीट रखना पड़ता है, कोई ऑडिटोरियम में जा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना मेरी फ्रेंड की साइड वाली सीट तो बुक करके रख लेना, तो बुक्ड करके रखना चाहिए था ये कह रही है, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव भी होना, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, हम उसको एडवाइस भी दे सकते हैं तो भी हम इसके लिए निगेटिव करेंगे। निगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट शुड के बाद वही नॉट लगाना है और हैव बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अब आपको, या तो आप इसी को डबल से ले लो जैसा अपन एज यूजुअल करते चले आए हैं, और नहीं तो अपन अलग ले लेते हैं। आज मैंने थोड़ा अलग ले लिए हैं ताकि हमको थोड़ा पता भी चल जाए क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। चलो तो ट्री शुड नॉट हैव बीन कट, पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए था, पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए था, कितने सारे पेड़ खत्म हो गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, कोरोना में देखा कितने सारे लोग प्रॉब्लम में फंस गए थे विदाउट ऑक्सीजन, तो काटा नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए फिर रोम शुड नॉट हैव बीन पेंटेड बाय पेंटर, अब मैंने यहाँ बाय इसलिए लगा दिया गाइस कि आप समझ जाओ इजीली, अगर नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा तो ये काम किया जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो रोम शुड हैव, रोम को पुताई की जानी चाहिए थी, ये नहीं पुताई करनी चाहिए थी, देखो नॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे कि आपको नहीं पुताई करनी चाहिए थी, हो सकता है शायद आप कहीं बाहर चले गए और आपको बोलना था कि ये रोम तो नहीं पुताई करना था, अभी दूसरा कलर पुताई करना था, या जो भी होगा व्हाटएवर, तो फिर आप क्या कहते हो, रोम को नहीं पुताई करनी चाहिए थी यार अभी से तुमने, ठीक है। तो ये हो जाता है रोम शुड नॉट हैव बीन, हो गया। चलिए फिर क्लोथ शुड नॉट हैव बीन अरेंज इन अलमीरा, हमारी बेटियों की आदत होती है ना कि कपड़े को बिल्कुल अस्त व्यस्त करके रखा है तो फिर उनको लगता है कि इतना अच्छे जमा दिया मुझे मिल नहीं रहे हैं कपड़े, क्योंकि हमें तो हैंग करने की आदत हो गई है। तो बोल रही है कि क्लोथ शुड नॉट हैव बीन अरेंज इन अलमीरा, अलमीरा में आपको जमाना नहीं चाहिए था कपड़ों को, है ना, कपड़ों को अलमीरा में नहीं जमाना चाहिए था, उसे एज इट इज रहने देना था, ठीक है। लेकिन अब इंट्रोगेटिव की बात करें कि क्या चाहिए था, क्या किया जाना चाहिए था, क्या वर्क को किया जाना चाहिए था, क्या कपड़ों को धोया जाना चाहिए था, क्या टिकट खरीदी जानी चाहिए थी, क्या रूम धुलाई करना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, तो इस प्रकार से हम इसको कैसे लेंगे, तो इंट्रोगेटिव लगाएंगे। इंट्रोगेटिव की वही पहचान है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो तो शुड को वही आगे ले आया अपन ने, सब्जेक्ट ले आया, हैव बीन ले आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ड देन ऑब्जेक्ट एज इट इज, ठीक है। Should room, अब देखो अब मैंने इसी से बना लिया है, should room have been cleaned by me,
क्या मेरे द्वारा रूम को साफ किया जाना चाहिए था? हाँ भाई नहीं आई है तो फिर क्या करोगे? आपने नहीं सफाई करना तो क्या मेरे द्वारा साफ किया जाना चाहिए था? ऐसा हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने। चलिए, शुड फ्लैट हैव बीन डिजाइन बाय मी, क्या फ्लैट को मेरे द्वारा डेकोरेट करना था या डिजाइन करना था या सजाना था या उसका कुछ ऐसा लुक बदलना था, थोड़ा सा चेंज करते ना अपन, तो क्या मेरे द्वारा डिजाइन करना चाहिए था, मेरे द्वारा उसको सजाया जाना था या डिजाइन करना था, किस डिजाइन को, मतलब इस तरह से रूम बनाना है, कहाँ विंडो लगाना है, या दोनों प्रकार से हो सकता है, डेकोरेट वाले में भी हो सकता है और डिजाइन करने वाले में भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, शुड यू हैव बीन गॉन टू होटल, अब ये तो मैंने समझाया है अभी कि यू शुड हैव बीन गॉन टू होटल, तुम्हें होटल जाना था, यानी भेजा जाना चाहिए था, तो गॉन भी आ सकता है और सेंट भी आ सकता है यहाँ, यानी गॉन यानी गो, जाना चाहिए था ना आपको, जाना चाहिए था, या सेंट भी आ सकता था कि भेजा जाना चाहिए था आपको होटल, टू होटल भेजा जाना चाहिए था, तो अब होटल तो यहाँ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से गाइस यहाँ तक ही अपन ने करा है, शुड हैव बीन का यूज अपन कर चुके हैं, और आई होप गाइस ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनको हम डेली रूटीन में जब हम बात करते हैं रेगुलरली, तो हम कई प्रकार के सेंटेंस लेकर के आते हैं, और हम उस पर जब बार बार रिपीट करते हैं उसे, ओवर एंड ओवर करते हैं, वन बाय वन उसको हम कई बार सेंटेंस कहते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं। और गाइस मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी हम प्रैक्टिस करें तो अपने डेली रूटीन के सेंटेंस से करें, तो हमें वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन आएगा उसमें, क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों को पहले पढ़ते हैं और फिर हम उस पर फोकस करते हैं। अब जब फोकस करते हैं तो तीन चार दिन तक हम उन चीज़ों को बोलते ही रहेंगे कि क्लॉथ शुड हैव बीन वॉश्ड, 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 डिशेज शुड हैव बीन वॉश्ड, डिशेज शुड हैव बीन वॉश्ड, होमवर्क शुड हैव बीन डन, होमवर्क शुड हैव बीन डन, होमवर्क शुड हैव बीन डन, इस प्रकार से हम बार बार बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस तो बननी ही बननी है और आपकी फ्लुएंसी आने में कोई भी रोक नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर गाइज आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज अगर आप शेयर करते हो तो आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होता है। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।